और उत्तराखंड को अब तक 11 मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनमें से पुष्कर सिंह धामी जब से आए कुछ न कुछ ये उत्तराखंड प्रकृति के लिए और उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें आप कितने प्रतिशत सहमत हैं और धामी जी के काम को आप कैसा देखते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक चीजों के लिए पुष्कर सिंह धामी लगातार बढ़ावा देने की बात करें उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड को पहली बार युवा मुख्यमंत्री मिला, पहली बार लंबी रेस का घोड़ा मिला है जो 4-5 टर्म तक हमारे मुख्यमंत्री रहने योग्य है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊँ, रुद्रपुर सरस मेले में धामी जी मेरे स्टॉल पर थे, तो मेरे उत्पाद देखने वाले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा सर अकेले मेरे लिए क्यों करते हैं, करना है तो सबके लिए कर दीजिए। PMFMEE सेंटर का स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है, वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट वन बॉर्डर 35% सब्सिडी है। जब दोबारा आए हो तो 25% की सब्सिडी हमें स्टेट ने भी दी है, और धामी जी आके मेरे मुंह में रोटी का टुकड़ा तो डालेंगे नहीं। जी जी बिल्कुल, लेकिन धामी जी की वजह से आ जाऊँ 65-70 परिवारों तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार देने की स्थिति में आए हैं, इसका श्रेय उनको जाता है। सहज भाव से सुन रही है सरकार इस समय, यहाँ तक भी हमें सरस मेला है, हमारा महिला समूह यहाँ पहुँचा है, ये भी सरकार की देन है, हमें स्टॉल फ्री मिला है, हमारी व्यवस्थाएं देखी जा रही है, तो हम आगे तो हम घर ले जाएंगे, हम सरकार को नहीं देने वाले। जी बिल्कुल, जैसे कि और भी मुख्यमंत्री हुए हैं इससे पहले भी, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री, नरसिंह रावत थे, और काफी और भी मुख्यमंत्री आए, लेकिन युवा मुख्यमंत्री का धाकर धामी का काम बोल भी रहा है ये सरकार का कहना है। आपको ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी स्वरोजगार के लिए अभी बढ़ावा दे रहे हैं, ये सिर्फ उत्तराखंड का मामला नहीं है, न दिल्ली का मामला है, विदेशों तक भी पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए धामी जी के प्रयास सफल तब होंगे जब हम पहाड़ में काम करेंगे, वो अपने स्तर पर काफी कर रहे हैं, वो सुनते हैं, बड़े सौम्य स्वभाव के साथ जनता के हिसाब से प्रजा के लिए जैसे राजा का व्यवहार होता है उस व्यवहार के साथ कार्य कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहे, बहुत जल्दी बहुत आगे। कुल मिलाकर धामी जी के कार्यकाल से बहुत ज्यादा संतुष्ट जी, हम तो चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे हमारी तरह काम संभाले तो सभी धामी जी मुख्यमंत्री। सरकार क्या क्या कर रही है और जिला प्रशासन ने खासतौर पर आपको यहाँ भेजने के लिए क्या क्या प्रतिनिधि? पुष्कर सिंह धामी लगातार बढ़ावा देते हैं स्वरोजगार का मेला लगाकर, क्योंकि उत्तराखंड में तो लगता ही था, अब दिल्ली में भी मेला लग रहा है, और खासतौर पर दिल्ली के जो प्रकृति मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय मेला जो लगता है, इस पर जगह देना और उत्तराखंड का उत्पादन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर सराहा गया है, और सबसे ज़्यादा बिक्री कहें तो उत्तराखंड का ही जो पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा बिका है, उसके बारे में क्या कहेंगे धामी जी के लिए खासतौर पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार ने भी काफ़ी कोशिश करी है हमारे जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, हमारे गरीब की आजीविका चलाने के लिए बहुत अच्छा सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है, समय समय पर मेले लगाना, हर चीज़ में वो हमारा सपोर्ट करता है। ये स्टॉल आप लोगों को क्या रेंट पर मिलता है या उत्तराखंड सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया गया? ये स्टॉल हमें निःशुल्क दिया गया है, आना जाना भी हमारा फ्री है। ये केंद्र सरकार की तरफ से या उत्तराखंड सरकार की तरफ से? ये उत्तराखंड सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, उत्तराखंड के सभी जिलों का हमने भ्रमण कर लिया है ट्रेड फेयर में। अब हम पुष्कर सिंह धामी जी के जो विधानसभा क्षेत्र है चंपावत के स्टॉल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको देखेंगे ज़्यादातर लोहे के सामान आपको दिखाई दे रहे हैं, चाकू से लेकर यहाँ कढ़ाई तक आपको दिख रही है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम सर के पास चलेंगे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए और क्या क्या प्रोडक्ट आपने कराए। नमस्कार सर, मेरा नाम सर कैलाश है, मैं लोहागढ़ चंपावत से हूँ। सर हमारे जो यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है ये लोहे के बर्तन हैं या ऑर्गेनिक डाले हैं सर जो? जी सर, तो यहाँ पे सर हमारा अच्छा सर
जी बिल्कुल, आप धामी जी के क्षेत्र से हैं, तो धामी जी ने इस जो ये लोहे का सामान है इसको बढ़ावा के लिए धामी जी क्या क्या कर रहा है? बहुत कुछ कर रहे हैं सर। उन्होंने हमारे लोहागढ़ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में सर दो सेंटर किया था है, जिसमें सर महिला को ये रोजगार मिला है, उसमें 45 महिलाएं कर रही हैं, उसमें 22 पुरुष हैं, उससे पैसा उनको मिल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। हम सब देखो पूरे सरकार हमने बहुत सहयोग दे रहे हैं, हम सर सबको आयरन दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लोहे की आपने जो कढ़ाई बना रखी है, जो सारा कॉन्टेक्ट आपका दिख रहा है, ये हैंडमेड अपने हाथों से बनाया सर? ये बिल्कुल अपने हाथों से बना रखा सर। हम इसको गर्म जो हमारी चादर होती है उसको गर्म करके सांचे में ढाल के बना, ये देखिए सर जो ये है वाले, आपको इसमें कोई पॉलिश नहीं जी, ये इसको देखो हथौड़ी से ठोक ठोक के बना रखा है, तो इसमें सर इसमें ये होती है कि जितना आप यूज आप करते रहेंगे इसमें ज़्यादा लोगों में आयरन मिलता है जी। इसमें सर खासी ये होती है कि इसमें जंग मिला, आप उसके तवा भी लेके आए कि आप दाल फ्राई करने के लिए? हाँ सर, ये तड़का है, तड़का इसी जीरे का तड़का लगता है, और ये वाला सर इंडक्शन इंडक्शन भी बना रहे हैं, जैसे फ्राई वैन है सर, ये तड़का लगाने के लिए आपका ये इंडक्शन में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, जो इसका सर तला है जी। और जैविक जो उत्पाद है ये तो सभी लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो मेन है ये लोहे का आपका दिख रहा है, और तेज पत्ते के ये भी लेके आए हैं आप, इनके बारे में बताएं। ये तो अभी जो पेड़ से उतार सर, इसकी खुशबू जो तेज जो और भी जैविक होता है सर, इसमें खुशबू होता है एक पत्ती में, और ऑर्गेनिक आगे से ये हल्दी है हमारे अपनी खेत की होती है, ये सर ये गैस की दाल है, ये भट भट है, राजमा है, तो ये चीज़ें हमारे गांव की जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दुकान में काफ़ी कस्टमर भी आ गए हैं, और हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। एक बार मैं चाहूँगा कि आप सारे लोहे के जो बर्तन है वो सब दिखाएं। ये कितने का भैया? ये 500। और ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये वाला मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।